वेलकम बैक टू शिफ्टी गुड वाइब्स। और थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी इंट्रो दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं अचानक से गांव के लिए। हम लोग गांव जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हम लोग एक शॉर्ट ट्रिप मार के आ रहे हैं बस, वहाँ से मतलब जा रहे हैं। तो अभी रात के कुछ 10 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा खाना खा लें उसके बाद निकले। और ये है मेरा कज़न भाई, एक से तो आप लोग मिल चुके हैं, और ये है दूसरा वाला, खाना हो चुका है। और आप लोग सोच रहे हैं खाने क्यों नहीं बनाई, हम लोग अच्छे हैं, अच्छे हम लोग अच्छे हैं, और आप लोग लचवाना नहीं चाहते। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये रास्ते में, चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं गांव, अभी नहीं मतलब लोग रात में आए थे, और इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था, सब सो गए थे। आई थिंक बच्चे हम लोग कितने बजे आए गाँव, 12:30। हाँ क्या हुआ, गांव में है आज भंडारा, है ना, जो कि मैं करा रहा हूँ, मैं पैसे सब बोला है। अच्छा, तेरा पैसा भी है, मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट आया हूँ। अच्छा, तुमको कोई चीफ गेस्ट बुलाएगा मेरे हाथों से, या फिर लोग शरबत पिए। कौन सी शरबत पिलाओगे? मोहब्बत शरबत। अभी हम सबसे जाके आपको फिर से मिलाते हैं, जो जो पहले वाले ब्लॉग में रह चुके हैं, और हमारी मेन कंटेंट तो ये है हमारा भोलू। आने दो अंदर और देखते हैं आंटी क्या कर रही है। आंटी बना रही है पकौड़ी। कौन कौन सी पकौड़ी है? आलू की है। हाँ, प्याज की। ओह, काफी वैरायटी है। चाय भी है। चाय भी, चाय पकौड़ी। हेलो, हाय। आंटी तो सबको याद ही होगी, जिन्होंने आतंक मचाई थी, जिसने होली वाला ब्लॉग देखा उसको पता होगा वही वाली आंटी की है। मेन है वही वाली आंटी है। चाय बन गई? हाँ, क्या क्या अमन को डराना है? सॉरी 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 अमन भाई, अमन तो बाबू टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। काफी क्रंची दिख रही है, कितनी मस्त लग रही है, अधिक कितनी अच्छी रही। बच्चा पागल है। आंटी मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा नमक कम है। कम है? नमक की मात्रा बढ़ा दी। टेस्ट करेंगी? और मैंने किया पूर्वक बनाए। तुम बता दो, जान में कम हुई, हम जान में कम हुई, इन्हें नमक डाल दी था और नमक कम रहा। इससे ब्रश करूंगी मैं। पत्ती आ जाए, पानी चालू हुई है। क्या हो गया? अकेले अकेले खा रही हूँ, मुझे नहीं खिलाओगी? मुझे नहीं खिलाओगी? मुझे नहीं खिलाओगी? लो आज इससे ब्रश करो। कर पाओगे? बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने नहाने की, उससे बहुत मेहनत करो और जिम्मेदार बनो, सब मैं। और ये लो, लो इससे मंजन करो, जाके गांव में आए हो शुद्ध देसी मंजन करो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, जहाँ पे हम लोगों ने भंडारा लगाया, हम लोगों ने हाँ लगाया है, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और उससे पहले हम लोग चौराहे जा रहे हैं या फिर वहीं जा रहे हैं? नहीं, हम जहाँ पे वो प्रसाद जूस जूस क्या बोलते हैं, शरबत हाँ, जहाँ शरबत पिलाया जाएगा वहाँ हम लोग जा रहे हैं। सब लोग, मैं, बच्चा और इधर अमन, और काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पहुँच भी गए हैं, तो अभी हम लोग वहाँ जाके शरबत पिलाएंगे, ये भंडारा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग ने कराया है भंडारा, और सब तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे मंदिर थे, शरबत बनाने की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। छोटी छोटी बच्ची पे अत्याचार करता है ये बड़ा।
ये मुआवजा बहुत थोड़ा सा है और होना चाहिए था। और यहाँ रेडी आ गए थे मंदिर पे सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाने। मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही है कि बहुत सारे लोग आ गए हैं और डैडी और अंकल लोगों ने पिलाना शुरू कर दिया है शरबत। काफ़ी भीड़ हो गई है। टेस्टी। हम लोग कार में बैठे थे काफ़ी देर से गेम खेल रहे थे मैं और अमन, तो काफ़ी मतलब भूख सी लगी तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे पास में दुकान है तो बस वही आए थे लेने, सोचा दिखा दें भाई कुछ इंटरेस्ट हो। अभी यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं तो थोड़ा थोड़ा यही ले लें। निकाल निकाल और वो एक वो ड्यू दे दीजिए और एक वो माजा, एक ये वाली और एक ये वाली। और अभी हम सब बैठ के यहाँ पे स्नैक्स पार्टी कर रहे हैं। मेरे इस क्रैक्स में एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ निकली है, खोल के देखो बाबू कैंची वो और दूसरी बड़े का है ये देखो कितनी प्यारी सी है ये, है ना? देख लो। इस चाकू से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बताओ। और हम इसमें से निकालेंगे प्लेट, तो इसमें एक सिक्का टाइप का जो है आप देख सकते हैं, दिखाओ। ये देखिए ये सिक्का टाइप का एक, तो ये जो है हम इसको फिर से अंदर डालेंगे कुछ इस तरह और फिर से इसको बाहर निकालेंगे। क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा मैजिक? मैजिक पेन। ये क्रैक्स हाँ। वाले जो है बहुत ज्यादा हाँ। इस मैंने डिसाइड किया 6 हाँ। इसको आप 6 को ऊपर रखना हाँ। और इसको ऐसे डाल देना और ढक्कन, मुझे ढक्कन बंद करके फिर मुझे देना, ठीक है? अच्छा लो बताओ। नहीं दिख रहा बंद कर दू हाँ। भैया को दे दो, भैया को दे दो। तो यहाँ पे दीदी ने एक नंबर चूज किया और मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है। मेरे को पता है, ठीक है तुम्हें पता है ना, सबको पता, मुझे नहीं पता आपने वो नंबर। तो आपने इसके अंदर डाल दिया ना, अब आप मैं इसको एकदम मैंने नहीं देखा, ठीक है? मैं इसको ऐसे लेता हूँ और मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद आपका नंबर 5। एक मिनट मामा, है ना? कैसे पता? जादू। कैसे? इस वाले भी ये सोच रहा है कि इसको बार टिक टिक करते हैं, टिक टिक नहीं करते भाई हर चीज के पीछे। कैसे 5 कैसे पता चला? डिब्बी बंद कर दी हाँ और मुझे दी हाँ। ये देखो दिख रहा है। अच्छा, इस कलर की दी है ताकि ये ट्रांसपेरेंट है पूरी। मुझे लगा था बहुत कोई से जादू सीख गया। चीटर हो बच्चा तुम, चीटर। कार्ड, चिड़िया उड़, कुत्ता उड़, बिल्ली उड़, भैंस उड़। अमन बड़ा पहचान। ओके भैंस उड़। सेट किया कि कैमरा हम लोग की चिड़िया उड़ नहीं दिखा पा रहा है इसलिए हम यहाँ चिड़िया उड़। पता भी नहीं चलेगा कितनी चिड़िया उड़ाई और क्या किया। एक मिनट रखो। हाँ ये सही है। चिड़िया और पिकॉक और मोर और कबूतर और भैंस और मुझे पता चल जाता है सात कब क्या बोल रहा है, क्योंकि जब वो ऐसी चीजें उड़ाता है फोकस ज्यादा दे देता है। भैंस उड़। अरे भाई नहीं उड़ेगी वो। ओके फिर से तुम बोलो। अभी हम लोग आ गए हैं अंकल के यहाँ से बैठ के गेम। बच्चों को प्रताड़ित करती है ये महिला। गांव में तड़ा सबसे मुश्किल है रहना क्योंकि यहाँ लाइट नहीं आती है।
जानता नहीं क्या है ना अंकल। पढ़ के सुनो। दादू कहीं लेके नहीं जाते हैं हम लोगों को भाई को। अच्छा इसमें लिखा है ऐसा? ओहो देखो वो इस कार्ड के माध्यम से अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा है कि अंकल आप उसको कहीं लेके नहीं जाते। क्यों? उसको घुमाने ले जाया करिए। घूमने जाना है पापा के साथ? कहाँ पे? मेरे यहाँ। हाँ ठीक है। वो देखो कहाँ चढ़ा गया। तुम चढ़ोगे तो जरूर टूटेगी बच्चा। वो देखो वो कहाँ तक पहुँच गया। वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे चढ़ गया। बहुत मुश्किल है बाबू। आराम से आना, लग जाएगा वरना। ये क्या कर रहा है? इसको डर भी नहीं लगता है बिल्कुल भी। अभी हो गई है शाम और हम लोगों ने काफी कुछ खेला वेला है और भूख लग गई है। तो इधर अच्छा जगह नहीं मिलता जैसे मेन सिटीज में मिलता है। तो अंकल हमें ले जा रहे हैं तो चौराहे पे कुछ ले जा रहे हैं, कुछ खिलाने हम लोग क्योंकि हम भूखे हैं। हाँ तो इसने बता दिया यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है तो यही खिलाएगा। तुम्हें बनाना आता है ना? हाँ। कैसे बनाते हैं? पहले तेल डाला जाता है, ऐसे तुम लाल उला दो और जमीन में डाल दो और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या? यहाँ ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका सबको सर्विंग कर रहा है। और बस और फिंगर चिप्स। हाँ हाँ और ये अमन दादा का है। हाँ और ये आपका है। हाँ और देखो मुझे गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है। मनीष को बुलाऊंगा ना। कल मनीष को बुलाओगे? क्या करोगे मनीष से? अपने घर जाओ। मनीष को रोल नहीं खिलाओगे? मनीष नहीं खाता। मनीष नहीं खाता क्यों? तुमको बहुत पता है मनीष के बारे में। टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर व्लॉग। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।